लोगों का स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गए। तो भाई सकरात का टाइम आ रहा है तो सब के सीधे आन जान लाग रहे हैं। तो मेरा भी सीधा आ गया है तो मैं दिखाती हूँ मेरे सीधे में क्या ये कहा फेडेड है। है। देखो जी सूट, ये है मेरी माँ का सूट। पहला सूट दिखाती हूँ मेरी माँ का। तो ये है देखो सूट, ये गला बना हुआ है और इस पे ये देखो साइड में ये फूल सा बनाया है नगा के, और ये पट्टी लगी हुई है इसको, ये नीचे इस पे ये समोसा लेस लगी हुई है और ये बिल्कुल प्लेन है। और ये इसका स्टोल है, ये चेक में लंबी धारिया का स्टोल है। और इस तरह की इसकी ये सलवार है, वैसे तो मैच है पर कलर सेम है, एक ही कलर की है। इसमें लाइनिंग की ये इस तरह की सलवार है और ये स्टोल है। तो ये मेरी मम्मी का सूट था, मेरी सासू माँ का। और अब दिखाती हूँ मैं अपना सूट। ये पैंट शर्ट इसके पापा की है, ये तो नॉर्मल होती है जो पैंट शर्ट वही पैंट शर्ट है। अरे ये मेरा सूट, ये देखो ये ब्लू कलर का सूट है, देखो बहुत अच्छा कलर खिल तैयार है। ये गला बना हुआ है, ये लंबी पट्टी हुई है, इस पे नग ये छोटे छोटे स्टोन से आकार डिजाइन बना हुआ है, और बीच तो ये भी प्लेन है। और नीचे फिर ये देखो बॉर्डर पे जो गले में पट्टी थी उस तरह का ये बॉर्डर है, चुगर देखो ये डिजाइन बना हुआ है आगे जोड़ी पर। और सलवार इसकी भी शायद, हाँ सलवार इसी मैचिंग की है, ऐसे एक कलर की सलवार है ये अंदर दिखाई दे रही, ये पैक हो रहा है, पैकिंग नहीं पाड़ती मैं, इसी कलर की सलवार है। तो ये बहुत अच्छा मैच है इस पे ये कढ़ाई का। और ये देखो बहुत ही प्यारी चुन्नी है, कती नरम, इस पे ये लाल से रेड से कलर के किते किते ये छप्पा हा कह लो, कढ़ाई नहीं है ये, इस तरह की दिखाई दे रही है। देखो देखो बहुत अच्छी लग रही है और सॉफ्ट चुन्नी है, कती बिल्कुल कती नरम नरम। तो ये सूट मेरा था, सूट और चुन्नी, ये सूट का सूट बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरी माँ का सूट था और ये इसके पापा की थी। ये तो मेरे सूट आए थे, मतलब मेरी सासू का, मेरा और इसके पापा का। और आप लोगों ने दिखा दे हैं खाने का सामान भी, ये केले थे, ये संतरे थे, ये मूंगफली है, इसमें पैक हो रही है मूंगफली है, इसमें गज्जक गज्जक है, ये सारा सामान है। आप सब भी खा लो, जो सी चीज आपने पसंद आवे। तो मेरा सीधे का ये सामान था मूंगफली, ज्यादातर ठंड में मूंगफली खाई जाए, ठंडे केले वगैरह तो खाए भी नहीं जाते। तो ये मूंगफली है ना मैं पैक करके रख दूंगी, आप सब भी खा लो। तो मेरा सीधा किसा लग गया देख कर बताइयो, और मेरी वीडियो ने पूरी देखा करो भाई। देखो जी हम रात ने क्या कार्रवाई बैठा रहे हैं, ये रात का टाइम है तो हमने थोड़ी सी सिमट लगानी है क्योंकि दिन में तो पानी का है, तो रात ने कर लिया है। इसमें मार लेना मड़ा हरूंबा, ये मार ले। तो ये हम थोड़ी सी सिमट ले आए थे, मसाला बनाया बनाया, तो अब इस पर लगा रहे हैं यहाँ पर, और एक दिखाएंगे ये मसाला गिर दिया है। देर से ना बढ़ दिया, इसके दीवार में पानी जान का डर था कि ऊपर तो पानी पड़ा है और नीचे दीवार में पानी मरेगा तो दीवार खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा मसाला लगा रही है। ये रात ने कोई पानी का काम नहीं रहेगा, दिन में तो पानी चल रहा है रुक नहीं रहा, तो रात ने पक जाएगा। थोड़ा सा और मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा कर दिया है, थोड़ा सा और मसाला डाल देगा। साथ है
साफ के करना, ये करनी तो खुरच दे थोड़ा। इसके सारा सारा भी हम थोड़ा मसाला डाल देंगे पानी के ऊपर। बेर में कैसे से मटाओ हैं, जल्दी ये उतर गया है, जैसे नया उतरा था हमारा। फिर भी ये पानी जितना टपक टपक पानी तो मैंने ऊँ तो सारा झाड़ू तो साफ कर दिया था। देखो जी थोड़ा हार्ड सिमट डालेंगे, इसके सारा सारे पाइप पर पानी रुक गया है, तो पहले झाड़ू तो साफ कर लेंगे हम इसने। तो देखो जी आड़े भी थोड़ा सा मसाला डालेंगे, थोड़ा के सारा ही मजा दिया, सारा खट्टा मजा दिया आड़ा। ये सारा का सारा मसाला यहीं पर चेपेंगे, इसके सारा सारा देखो ये छेद से हो रहे हैं अभी। इसने अच्छी तरह फेर कदा बनना है, ये सिमट उतर गया आड़ा। थोड़ा ही साइड से भी कर देने इसके सारा सारा थोड़ा। हाँ दे इसके हाँ अड़े सारा तो लगाए थे हाँ अड़े। ये अग भी थोड़ा हजे रह गया, दे अग कुना हाँ अड़े अड़े इसके सारा इतनी जरूरत ना है आड़ दे उड़े उसके सारा सारा लगा दे। हाँ ये आड़ है यो थोड़ी आड़े तो इस खींच ले मुड़ी मुड़ी कर तो हमारी अड़े सारी का सीमेंट लग गई है। ये भी रात भर पक जाएगी और सुबह इसमें पानी चल जाएगा, इसलिए रात को ये रात का बाद लगा दिया हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत ना बाथरूम में तो पानी आओगा थोड़ा जाओ नहीं का। तो यार सारी रात हमारी रात की कार्रवाई थी, अब हम बढ़ते हैं अपने गुदड़े में। जी मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम बना रहे हैं भुजी। देखिए हमने सामने काट कर रख ली थी, अब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसने नचोड़ कर और मेरी माँ कूट देगी। कूटने नून मिर्च हमने कूट लिया है, इसने अच्छी तरह नचोड़नी पड़ेगी ठंडी होने के बाद, फिर कूट का हम इसमें छोक लगा देंगे। देखो अभी ये गर्म ज्यादा है, देखो कति पीली होगी है ये, आरे पर आंधी थी हमने ये। देखो मैंने भुजी छोक दी है नचोड़ना चढ़ता है, इसमें मैंने टमाटर और जीरे का छोक लगाया है, और अभी इसने थोड़ी सी मैं पका लूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी होता कच कच बोल लिया कर, इसने मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने। भुजी फिर टेस्टी भुजी है, इसने थोड़ी बार में रख दूंगी ढककर, थोड़ी बहुत सी पानी तो वैसे रहता नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत रह जा तो वापसी आम और हो जाएगा और मेरी टेस्टी टेस्टी भुजी तैयार हो जाएगी। और अब मैं आटा लगा दूंगी, फिर मैं रोटी बनाऊंगी, आज मैं गैस पे रोटी बनाऊंगी। सीधा देख लिया था वीडियो ने भाई पूरी देखा करो, और वीडियो ने लाइक और सब्सक्राइब भी करा करो, ये सब्सक्राइब करना कति छोड़ दिया है, और वीडियो ने पूरी नहीं देखते, वीडियो में के अंदर के है कुछ होकर दे है, नाइस नाइस करके भाज जाओ बहुत अच्छी अच्छी, उसमें के चल रहा है वो तो आप लोग देखते भी नहीं है, कुछ मेरी गलती हो तो बताया भी करो, और वीडियो ने पूरी देखा करो भाई, चाहे थोड़ी बहुत बार चला कर छोड़ दो, मेरा वॉच टाइम में कमी है उसने पूरा करने का ही, मैं आप सब तक प्रार्थना करूं, और आप वीडियो ने पूरी देखते नहीं हो, तो वीडियो किसी लगी देख कर बताइए, वीडियो ना अड़े एंड करें हैं। अब मिलते हैं आप तो नेक्स्ट नए ब्लॉग में।